सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। के बाद उसकी मृत्यु हो, क्या था ये पूरा मामला? कस्बा औशा पड़ता थाना औशा में एक 12 वर्षीय लड़की है और उसके साथ बताया जा रहा है कि 26 तारीख को पड़ोस का युवक है उसी बिरादरी का, उसके द्वारा इसके साथ दुष्कर्म किया गया था। घर वाले उसका अपने रास्ते आते रहे प्राइवेट और किसी सूचना नहीं दी। बाद में उसके इन्फेक्शन से बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत खराब हुई और 27 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि मामला परिवार का ही था, यही परिवार के आरोपी और पीड़िता हैं। लोगों ने चुपचाप जो है उसको अंत्येष्टि के लिए दफन कर दिया बालिका के शव को। कल मृतका का ताऊ मेरे पास आया था 4:30 बजे, तो माल संज्ञान में आया, तत्काल उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बॉडी को निकलवा करके पोस्टमार्टम कार्य चल रही है। ये पकड़ ले गया घर से और उसके साथ बलात्कार किया और उसे मारने की धमकी दी और उसे 7 बजे पकड़ा, 10 बजे छोड़ा उसको और सुबह 12 बजे मैं हॉस्पिटल ले जा रहा था तो इन लोगों ने मुझे धमका दिया और तुझे जान से मार दूंगा, तेरी माँ को मार दूंगा और इनने हॉस्पिटल नहीं ले जानी थी। 12 बजे बुलेट चला खत्म हो गई। लड़के की उम्र क्या होगी? लड़की की उम्र है 12 साल। 12 साल और उसकी है 22 साल। 22 साल लड़के की? लड़के की 22 साल, लड़की की 12। कौन लड़का था? छोटी। तो अब यहाँ क्या कहा पुलिस ने? उनको काफी सूचना देने आए का कोई कार। अभी लड़की की पोस्टमार्टम हुआ था? पोस्टमार्टम ने तब हॉस्पिटल जाने नहीं दिया, धमका दिया मेरे को। तो कहाँ बॉडी है लड़की की? बॉडी गांव से बाहर है, थोड़ा रखा हुआ है, गाड़ दिए। क्या कहा अभी प्रसाद ने? सामने ठीक है, जाइए आप थाने जाइए, ठीक है थाने से बोल जाएंगे सब, बॉडी निकलवाएंगे अभी। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।